नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। यूपी में फिर एक पत्रकार की हत्या, कानपुर में मिली डेड बॉडी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पत्रकार की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बर्रा थाने की पुलिस ने पाया कि सीटीआई नहर के बगल में एक कार खड़ी थी, जिसके अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बॉडी को फॉरेंसिक जांच के बाद बाहर निकाला गया तो आशु यादव नाम से शिनाख्त हुई। आशु हाल ही में मीडिया जगत से जुड़ा हुआ था और एक जिला स्तरीय न्यूज़पेपर में काम किया करता था। आशु 31 दिसंबर की रात से लापता चल रहा था। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि 31 दिसंबर की रात आशु के पास 3 युवक आए थे जो मुंह में मफलर बांधे हुए थे। आशु उन्हीं के साथ बिना बताए रेल बाजार स्थित घर से निकला हुआ था और 1 जनवरी यानी नए साल के पहले दिन आशु का जन्मदिन भी था। आशु को कई बार फोन भी मिलाया गया लेकिन मोबाइल लगातार बंद जा रहा था। वहीं रेल बाजार क्षेत्र के पार्षद ने कहा, अपने भाई को समझा लो, वो एक लड़की के बलात्कार की खबर छाप रहा है, उसकी हत्या हो जाएगी। ये हमारे भाई हैं। ये 31 तारीख को 2:30 बजे रात से गायब हुए। इनको 3 लड़के लेकर के गए, मफलर बांधे थे। ये हम लोगों ने देखा, हमने पूछा तो वो जल्दी गाड़ी बढ़ा दिए इन लोगों ने। उसके बाद से हम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन हाँ हमको ये अभी 3 दिन पहले इनके जो राजू सभासद हैं इन लोगों ने सूचना दी थी कि तुम्हारे भाई को हम लोग मार देंगे, अपने भाई को समझाओ कि न्यूज़ ना छापे। तो हम लोगों ने पूछा, भैया क्यों मार दोगे? कहने लगे वो लड़की की जो खबर छाप रहा है उसको बंद कर दे, लड़की का एक बलात्कार हुआ था उसमें इनके भाइयों को फंसाया गया था। तो वो कह रहे थे कि हमारे भाइयों को इन लोग ज़बरदस्ती फंसा रहे, जबकि वो लड़की को निकलने नहीं दे रहे। उस लड़की के मैटर में उसको मार दिया। कौन पार्षद है, कहाँ के, कौन सी पार्टी के हैं? ये बीजेपी के पार्षद हैं। कहाँ के, कौन से वार्ड के? वार्ड नंबर ये 1 के हैं। अच्छा, कल रात में जो आप लोगों को सूचना दी गई थी थाने में, तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी जी, इसके बाद कैसे जानकारी लगी, क्या फ़ोन आया था? अभी हम लोगों ने इसमें व्हाट्सएप पे फोटो आई है इसकी, प्रेस रिपोर्टरों की, तब हम लोग यहाँ पे आए। अभी जब आए तो किस तरीके की बॉडी थी, किस तरीके से मारा गया? हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, यहाँ पे आकर पुलिस वाले निकाल के ले जा चुके। देखिए, बर्रा थाने पे ये सूचना दी गई थी कि यहाँ एक लावारिस में कार खड़ी है। तो बर्रा पुलिस जब यहाँ पे पहुँची तो उन्होंने, क्योंकि ये संज्ञान में था सबके कि एक आशु यादव नाम के लड़के की गुमशुदगी रेल बाज़ार थाने में दर्ज की गई है और उसकी तलाश की जा रही है। तो बर्रा पुलिस जब यहाँ पर आई, उन्होंने गाड़ी देखी, गाड़ी पर काफ़ी पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, उस बेसिस पर उन्होंने रेल बाज़ार थाने को इन्फॉर्म किया। तो ये संज्ञान में आया कि ये आशु की गाड़ी है जिसकी गुमशुदगी 1 तारीख को वहाँ लिखी गई, और उनके परिजनों ने बताया था कि 31 की रात, मतलब 1 की सुबह लगभग 2:30 बजे के आसपास वो अपने घर से गया था, और उसके बाद जब नहीं लौटा, काफ़ी दोपहर तक नहीं लौटा, तो उन्होंने रेल बाज़ार थाने पर सूचना दी, जिसके संदर्भ में वहाँ गुमशुदगी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई। और उसके बाद उसकी बाकी जो सूचना एकत्र करनी शुरू की पुलिस ने, तो CDR या किसी से बातचीत या किसी से मिलना आना जाना, वो सारी चीज़ें पूछताछ पुलिस की के द्वारा की जा रही थी, तब तक ये वाली सूचना आई। तो ये दोनों घटनाक्रम किस तरह से घटना हुई है, इसके लिए 3 टीमें हमारी पुलिस की लगी हैं। जो CCTV फुटेजेस हैं वो निकाले जा रहे हैं, जो CDR है वो निकाली जा रही, और यहाँ पर बॉडी को देख के प्रथम दृष्टा जो हमारी फॉरेंसिक की टीम है उसने यही बताया है कि लग रहा है कि स्ट्रैंगुलेशन हुई है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें पोस्टमार्टम में क्लियर होंगी, पंचायतनामा पोस्टमार्टम में क्लियर होंगी। हमारा प्रयास है पुलिस टीमों का, तो चाहे वो फॉरेंसिक की टीम है, सर्विलेंस की टीम है और सिविल पुलिस की टीम है, कि इस पूरे घटनाक्रम को हम जल्द से जल्द वर्कआउट करें, और जो भी अगर इसमें कोई कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ़ सख्ती से कार्रवाई की जाए, उनकी पहचान की जाए, उनकी अरेस्टिंग की जाए और उनके खिलाफ़ सख्ती से कार्रवाई की जाए। ये संज्ञान में ये आया है कि ये मीडिया, एक न्यूज़पेपर या वीकली है या वो देखना पड़ेगा, उसका ब्यूरो चीफ के पद पे भी है, और शायद कोई मीडिया पोर्टल भी इसका अपना चलाते हैं, ये दोनों काम ये कर रहे हैं। घर वालों ने क्या आरोप लगाया? नहीं, घर वालों ने पहले तो गुमशुदगी लिखाई है, अब उनकी सिस्टर यहाँ पे है, उनसे बात करके अगर वो कोई और बात कहते हैं तो वो भी, उसको भी संज्ञान में लेके उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाते हुए वो भी चेक किया जाएगा, ताकि हम तो इस घटनाक्रम के जो भी पहलू हैं, चाहे वो कोई रंजिश है या कोई वैसे है, वो सारी चीज़ें हम देख के इसको आगे बढ़ना चाहेंगे।